गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। ट्रांसलेशन में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इस टेंस के हमने दो वीडियोस देखकर इसको हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया था। तो चलिए एक बार हम और इसको ट्राई करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, मतलब काम कौन कर रहा है। उसके बाद लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, जो कि आती है हमेशा किसके अकॉर्डिंग? हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग। तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है या तो विल या फिर शैल। तो विल को हम लगाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, बट शैल का यूज हम करते हैं या तो आई या फिर वी के साथ। उसके बाद आती है बी। बी को हम केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज करते हैं। देन कम्स वर्ब। वर्ब में लगानी होती है आईएनजी एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। चलिए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है हीटर कमरे को गर्म कर रहा होगा। मतलब किसी रूम में कोई हीटर चल रहा है तो यही तो बोला जाएगा कि हीटर है जो कमरे को गर्म कर रहा होगा, और बाकी गर्मी कहाँ से आएगी? तो कौन काम कर रहा है, हीटर या कमरा? हीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं हीटर। अब हीटर जो है क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल। विल के साथ हमको लगाना है बी। हीटर विल बी। अब हीटर क्या कर रहा होगा? गर्म। क्या कर रहा होगा? काम कौन सा हो रहा है? गर्म करने का। तो हीट और प्लस आई एन जी, हीटर विल बी हीटिंग। किसको गर्म कर रहा होगा? कमरे को। हीटर कमरे में चल रहा है तो कमरे को ही तो गर्म करेगा। तो हीटर विल बी हीटिंग द रूम। ठीक है। अब सेकंड है कुम्हार मिट्टी को रूप दे रहा होगा। कुम्हार होता है वह व्यक्ति जो मिट्टी से बर्तन या अलग अलग स्कल्पचर्स बनाता है। तो कुम्हार का काम होता है मिट्टी को रूप देकर कोई चीज बनाना। तो वही काम यहाँ पर बताया गया है कि जो कुम्हार है वो मिट्टी को रूप दे रहा होगा और रूप देकर कोई स्ट्रक्चर बना रहा होगा। तो कुम्हार मतलब क्या होता है? पॉटर। हमने पढ़ा था ना ईवीएस में पॉटर। पॉटर है सब्जेक्ट। इसके साथ हम लगाएंगे विल। पॉटर विल बी। पॉटर विल बी। अब पॉटर क्या काम कर रहा है? रूप दे रहा है। तो फॉर्मिंग। तो फॉर्म इंग। फॉर्मिंग क्या? मिट्टी। लेकिन मिट्टी को यहाँ पर हम मड या सैंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम मिट्टी को लिखेंगे क्ले। क्या लिखेंगे? क्ले। कि मिट्टी को रूप दे रहा होगा। मिट्टी को रूप देकर कुछ भी बना सकता है, चाहे वो कुल्लड़ हो, चाहे बॉटल हो, या किसी की मूर्ति हो। ओके। अगला सेंटेंस हमारा है पानी नदी में बह रहा होगा। पानी जो है वो कहाँ पर बह रहा है? नदी में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? काम कौन कर रहा है, पानी या फिर नदी? बहने का काम कौन कर रहा है? पानी कर रहा है ना। तो वाटर क्या है? वाटर। करेक्ट। नाउ वाटर, अब क्या कर रहा है? पानी बह रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद वैसे तो हमको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो वाटर विल बी। अब वाटर विल बी फ्लोइंग। बहने की इंग्लिश क्या होती है? फ्लोइंग। क्योंकि ब्लो तो हम हवा के लिए यूज करते हैं और फ्लो हम यूज करते हैं लिक्विड थिंग्स के लिए। तो वाटर विल बी फ्लोइंग कहां पर? इन द रिवर। इन द रिवर। पानी कहां बह रहा है? नदी में बह रहा है ना। तो इन द रिवर। हम बुरी आदतों से बच रहे होंगे। हम जब आगे फ्यूचर में कभी सोचें अपने लिए तो हम क्या कर रहे होंगे? बुरी आदतों से बच रहे होंगे। तो काम कौन कर रहा है? हम। तो लगा दिया वी। अब वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। तो वी शैल बी। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? स्टार्ट कैसे होगा? वी शैल बी। अब काम कौन सा है? बचने का। तो अवॉइडिंग। अवॉइड और आईएनजी। वी शैल बी अवॉइडिंग। क्या अवॉइड कर रहे हैं? बैड हैबिट्स। बुरी आदत मतलब बैड हैबिट्स। We shall be avoiding bad habits. ये हो गया हमारा सेंटेंस। हमने यहाँ पर से की इंग्लिश नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बचेंगे तो किसी ना किसी चीज से बचेंगे, तो इसमें से की इंग्लिश इंक्लूडेड है। ओके? चलिए आगे देखते हैं।
वह रात को अपने दांतों को ब्रश कर रहा होगा। हमने सोचा कि वह रात को क्या काम कर रहा होगा, अपने दांतों को ब्रश कर रहा होगा सोने से पहले। तो काम कौन कर रहा है? ही। और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल बी। तो ही विल बी। और काम क्या कर रहा है? ब्रश करने का। तो ब्रशिंग, बी आर यू एस एच आई एन जी, ब्रशिंग। क्या ब्रश कर रहा है? अपने दांतों को। और अपने के लिए ही के साथ हम कौन सा पॉजिटिव लगाएंगे? हिज लगाएंगे, हिज टीथ। कब कर रहा है? रात को। और रात के संग हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? एट। ही विल बी ब्रशिंग हिज टीथ एट नाइट। रात को की इंग्लिश क्या होगी? एट नाइट। तो हमने लगा दिया एट नाइट। मैं दर्द महसूस कर रहा होऊंगा। अब देखिए होऊंगा कैसे लिखते हैं आप लोग, ये काफी गलत लिख देते हैं। हो, ऊपर चंद्र बिंदु और गा, होऊंगा। मैं दर्द महसूस कर रहा होऊंगा। अब दर्द महसूस का क्या कौन कर रहा है? आई। तो यहाँ लिख दिया आई, और आई के साथ क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब? शैल। और शैल के बाद बी, आई शैल बी। अब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ? महसूस करने का। तो आई शैल बी फीलिंग, मैं कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहा हूँ। तो आई शैल बी फीलिंग, क्या महसूस कर रहा हूँ? दर्द। और दर्द की इंग्लिश होती है पेन। क्या होती है? पेन। आई शैल बी फीलिंग द पेन। कुछ सेंटेंसेस बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे हैं तो ईजिली बन जाएंगे, और बड़े हैं तो क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं लेकिन बन जाएंगे। अगला देख लें, बच्चे गेंद पकड़ रहे होंगे। काफी सारे बच्चे हैं और वे क्या काम कर रहे होंगे? वे गेंद को पकड़ रहे होंगे। तो काम कौन कर रहा है? बच्चे। तो सी एच आई एल डी आर ई एन। एस लगाना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल है। तो चिल्ड्रेन विल बी, चिल्ड्रेन विल बी, क्योंकि विल हम लगाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो क्या काम कर रहे हैं? पकड़ने का। तो कैचिंग, सी ए टी सी एच आई एन जी, चिल्ड्रेन विल बी कैचिंग। क्या? गेंद। तो द बॉल, हम कैचिंग बॉल भी कर सकते थे लेकिन द के साथ सेंटेंस सुंदर लगने लगता है। चिल्ड्रेन विल बी कैचिंग द बॉल। ओके, आगे देखते हैं, वे ठंडे पानी से नहा रहे होंगे। कुछ लोग हैं, वे क्या कर रहे होंगे? ठंडे पानी से नहा रहे होंगे। तो काम कौन कर रहा है? दे। अब हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर याद करना है बस आपको, और वर्ड्स की हिंदी पता होनी चाहिए, बस आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। दे विल बी, वे होंगे। क्या होंगे? नहा रहे। तो बेदिंग, बी ए टी एच आई एन जी। अभी देखिए बेद में क्या होता है? ई लगा होता है, तो ई का हटाकर ही हमने क्या लगाया? आई एन जी। दे विल बी बेदिंग, किससे? ठंडे पानी से। तो विद कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर। फाइन, आगे चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी को ढक रहा होगा। अब कुछ लोगों की गाड़ी जो होती है वो हमेशा कवर्ड रहती है, हमेशा वे लोग उसको कम यूज होती हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा उसको उसका कवर आता है एक, उससे ढककर रखते हैं। तो ड्राइवर का काम होता है कि गाड़ी को ढककर रखे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को ढक रहा होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं काम करने वाला कौन है? ड्राइवर। तो ड्राइवर के संग हम क्या लगाएंगे? विल बी। और काम क्या हो रहा है? ढकने का। तो कवरिंग, ड्राइवर विल बी कवरिंग, किसको? गाड़ी को। द कार, द कार, ड्राइवर विल बी कवरिंग द कार। और लास्ट सेंटेंस हमारा है आज का, नर्तक संगीत पर नाच रहे होंगे। डांसर्स जो होते हैं वे नाचते हैं ना, तो वे आज संगीत पर नाच रहे हैं। कोई भी लिरिक्स नहीं है, कोई भी सॉन्ग नहीं है। तो नर्तक की इंग्लिश आपको पता ही होगी, जीके में थी, डांसर। हेल्पिंग वर्ब विल बी, नाच रहे होंगे, डांसिंग, ठीक है। कहाँ पर? संगीत पर। तो ऑन द म्यूजिक, डांसर विल बी डांसिंग ऑन द म्यूजिक। एक बार और बता दूं, यहाँ पे डांसर्स आएगा क्योंकि रहे होंगे, काफी सारे डांसर्स हैं। तो डांसर्स विल बी डांसिंग ऑन द म्यूजिक। अब मैं आपको क्या बता रही थी, डांसर्स जो है वो प्लूरल है और ड्राइवर जो है वो सिंगुलर है। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें?
फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। लेकिन पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही लगती है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड हैप्पी राइटिंग।